हेलो फ्रेंड्स मैं सिन्नी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डी आई वाई बाई सिन्नी में और आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये देखिए आज मैं ये वाला डिज़ाइन जो है आपको फिर से एक बार बनाना बताऊंगी तो आज की जो वीडियो है वो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो जो कि मैं आप सभी को ये वाला डिज़ाइन फिर से बताऊंगी बनाना थोड़े ज़्यादा फंदों में तो अभी तक तो मैंने ये वाला डिज़ाइन बताया है अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जा करके आप देख सकते हो और आज मैं थोड़ा इससे बड़ा बताऊँगी आप सभी को बनाना तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगने में कमेंट करके जरूर बताइएगा तो फ्रेंड देखिए इसको बनाने के लिए हमें चाहिए भी चार कलर की वुल ये देखिए यहाँ पे हमने चार कलर की वुल ले रखी है ये देखिए तो यहाँ पे हमने लिया है पिंक येलो और यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे है हमारे पे बैगनी कलर है ना तो ये हम चार कलर से बनाएंगे तो अगर आप इसे साड़ी चुन्नी से बनाएंगे तो साड़ी और चुन्नी का जो कलर होगा वो भी चार कलर का रहेगा तभी ये डिजाइन आपकी बन पाएगी और इसको बनाने के लिए चाहिए होगी नौ नंबर की सिलाई क्योंकि यहाँ पे मैं ऊन से बना रही हूँ तो मैं नौ नंबर की सिलाई ली हूँ अगर आप यहाँ पे साड़ियों से बना रहे हैं तो सात और आठ नंबर की सिलाई से आप इसको बना सकते हैं तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है ठीक है तो सबसे पहले देखिए जो कलर हमारा है यहाँ पे ग्रीन कलर तो फंदे जो है हम ग्रीन कलर से डालेंगे तो आपको जो कलर यहाँ पे रखना हो और इसमें जो कलर आपको दो कलर में से एक कलर लगाना हो उससे फंदे आप फंदे डालिएगा ठीक है तो मैं अपना रखूंगी बैगनी कलर ठीक है जहाँ पे ये ग्रीन है वहाँ मैं बैगनी रखूंगी तो मैं बैगनी कलर से फंदे डालूंगी और फंदे देखिए कैसे डालने हैं आपको फंदे यहाँ मैं टोटल 36 फंदे लूँगी ठीक है तो फंदे बिल्कुल सिंपल से जैसे मैं हर बार डालती हूँ वैसे ही डालूँगी एक नॉट लगा लेते हैं और यहाँ पे फंदे को डालना शुरू करते हैं तो फंदे बिल्कुल ही आसान से डालने होते हैं ये देखिए एक नॉट का हो गया दो तीन चार पाँच छ सात तो फ्रेंड्स ऐसे करते चलिए इसमें हम टोटल छत्तीस फंदे डाल लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे टोटल हमने जो है अपने छत्तीस फंदे डाल लिए ठीक है और अब आप देखिए ध्यान से वीडियो को कि कैसे इसको आगे करना है तो यहाँ पे पहली सिलाई से जो है ना हमारी डिज़ाइन जो है स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पर देखिए क्या करना है हमारा छत्तीस फंदा है तो उसमें से देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह फंदे देखिए हमने अपने ये जो हमारे ब्लू कलर उससे बना लिए और अभी भी हमारे पास यहाँ पे चौबीस फंदे हैं ठीक है तो देखिए मैं आपको बता दूँ फंदे कैसे रखने हमने यहाँ पे टोटल छत्तीस फंदे रखे तो फंदे आपको ऐसे रखने कि जिनको हम तीन भागों में बाँटें तो बराबर बराबर ही आए और दो के जोड़े में हो तो देखिए बारह 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 को बारह बारह दिन चौबीस बार तेई छत्तीस तो छत्तीस फंदे हो गए जिनको कि हमने टू के मल्टीपल रखा है और तीनों ही बराबर हैं बारह 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 करके तीन भागों में है ना तो ऐसे ही फंदे आपको रखने हैं अगर आप और भी ज़्यादा फंद, तीस फंदों को बनाओगे तो दस 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 ठीक है ऐसे समझ लीजिए आप तो ऐसे करके आपको बनाना है साठ फंदों का बनाओगे तो बीस बीस बीस, बीस ऐसे करके ठीक अब देखिए अब यहाँ पर हम अपना दूसरा कलर जो है उसको ऐड करेंगे तो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं ग्रीन कलर ठीक है तो चलिए देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर को ऐड करते हैं बारह फंदे हमने बनाए उसके बाद हमने ये अपना ग्रीन कलर लगाया ठीक है अब यहाँ पे हम जो बारह फंदे हैं अब उनको ग्रीन से बनाएंगे देखिए दो तीन इसको फंसा लीजिए चार पाँच सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह ही फंदे हमने यहाँ पे अपने ग्रीन कलर से बनाए ठीक है और अभी हमारे पास बैगनी के बारह फंदे और हैं तो इसमें देखिए अब हम अपना तीसरा कलर ऐड करेंगे यहाँ पे ये देखिए ठीक ये हो गया अब देखिए अब यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस दस फंदे अपने पिंक से बनाए दो फंदे यहाँ पे हमने बगैर भुना जो है छोड़ देना है ठीक है देखिए दो फंदे छोड़ देना है और ये से वापस हो जाना है फिर यहाँ से देखिए उल्टी साइड सॉरी सीधी साइड से कुछ नहीं करना है जो जैसे है उसको वैसे बना लेंगे ये हमारे दस फंदे जिसमें कि हमने दो फंदे छोड़ दिए ठीक है, है तो यहाँ पे जो जिस कलर से है वैसे ही बनेगा ये देखिए हो गया इसको अब पीछे कर देंगे और ग्रीन को यहाँ से क्रॉस करा के आगे लाएंगे बहुत अच्छी डिज़ाइन है आप इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखा कीजिए अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा ये देखिए यहाँ पे हो गया ये ठीक है अब इसको हम पीछे करेंगे फिर से और यहाँ से अपना जो बैगनी कलर है उसको आगे लाएंगे और इसको बनाएंगे जो जिस कलर से है उसको उसी कलर से बनाना है ठीक है ये देखिए अब ये बारह फंदे हमारे ये बैगनी वाले हैं बहुत अच्छे डिज़ाइन है तो ट्राई जरूर कीजिएगा और इसका शेप जो है बहुत ही अलग आता है और ये वाला जो फंदा है इसको हम सीधा बनाएंगे तो उनको पीछे करके ये वाला फंदा हम हर बार सीधा बनाएंगे जिससे कि हमारा काफ़ी अच्छा बन के आएगा ठीक है अब देखिए फिर से आता है अपने इस साइड और अभी येलो कलर का हमें काम नहीं है इसलिए इसको भी हम साइड में रखे हैं ठीक है अभी हमें तीन कलर का ही काम है अब देखिए अब क्या करना है अब यहाँ से इसको उतार लेते हैं क्योंकि हमने सीधे साइड से बनाया था ये देखिए अब कितना हुआ तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस दस फंदे हमने बना लिए और दो फंदे जो हैं इनको हम करेंगे ग्रीन ठीक है तो देखिए एक दो ठीक दो फंदे हमारे हो गए अब यहाँ से क्या है ना कि अब ये वाला फंदा आ, कम होता जाएगा है ना हर बार जब हम उल्टी साइड में आएंगे तो दो दो फंदे हमें ऊपर की ओर जाना है ग्रीन से ठीक है अब ये देखिए तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह एक बारह बारह फंदे हमारे देखिए ग्रीन के हो गए अब ये जो दो ग्रीन है इनको हम पिंक से करेंगे ठीक है तो ऐसे क्रॉस करा लेंगे और ऐसे ग्रीन हमारा जो है वो हर बार हमारा बारह ही रहेगा ठीक है और यहाँ से ये वाले जो कलर हैं ये दो दो फंदे जो है नीचे से कम होते जाएंगे ठीक है ये देखिए फिर से हमने दो फंदे यहाँ पे छोड़ दिए और यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधे साइड से फ्रेंड्स जो जैसे है उसको वैसे बना लेंगे तो एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ सीधे साइड से बाकी फिर मैं आपको उल्टे साइड से दिखाऊंगी क्योंकि सीधे साइड में कुछ भी नहीं होता है ठीक है बस जो जैसे है उसको ऐसे बना लिया जाता है इसको पीछे करके ग्रीन को आगे लाएंगे हल्का सा खींच के लाइएगा बहुत ज़्यादा नहीं हल्का सा अगर ऊन लूज़ रहेगा ना तो फिर जालियाँ आने लगेंगी ये हो गया अब इसको पीछे करेंगे यहाँ से इसको आगे लाएंगे इसको पीछे करेंगे इसको सीधा बनाएंगे ठीक है इधर वाला हर बार सीधा बनाइएगा तो अच्छा सा बन के आएगा अब ये देखिए यहाँ पे हो गया इतना अब फिर से आएंगे अपने हम बैक साइड में सॉरी अब यहाँ से देखिए इसको उतार लेते हैं और यहाँ से फिर से तो यहाँ ऊपर वाले जो फंदे हैं ना ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे अब यहाँ पे देखिए हमने आठ फंदे इसको बनाए देखिए चार चार आठ ठीक है और दो फंदे वाले जो है इनको हम फिर से ग्रीन करेंगे तो यहाँ पे यही वाली डिज़ाइन है इसको ऐसे ही आपको भी कंटिन्यू करना है है ना और ये जो ग्रीन है ये हमारा बारह रहेगा क्योंकि नीचे से भी दो फंदे जो हैं ग्रीन वाले हम उसको पिंक में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये बीच वाला हमारा बारह ही रहेगा ओके okay, ये देखिए ये हो गया अब ये दो फंदे जो ग्रीन के हैं इसको हम पिंक कर देंगे तो दो दो फंदे आपको ऊपर आते जाना है इस डिजाइन में बहुत सिंपल है कुछ भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको काफ़ी आसान है एक बार ट्राई कीजिए बनाइए ये देखिए दो फंदे फिर से यहाँ पे छोड़ देना है ठीक है इनसे वापस हो जाएंगे और यहाँ से तो फिर से जो जैसे है उसको वैसे ही बनाएंगे ठीक है तो यहाँ पे दो दो फंदे करते हुए आपको ऊपर आना जैसा कि आपको डिज़ाइन में दिख रहा है ये देखिए दो दो करके फंदे हमारे ये देखिए ऊपर तक पूरे ऊपर तक चले गए हैं ठीक है पूरा यहाँ तक फंदा जो है वो आ गया है तो यहाँ पर बिल्कुल ही ऐसे ही करना है हमें भी एक दो दो करके ऐसे फंदे ऊपर की ओर जाएंगे लास्ट में यहाँ पे बैगनी वाला जो कलर है वो ख़त्म हो जाएगा पूरा और ग्रीन आ जाएगा यहाँ पे ठीक है तो चलिए यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं ऊपर तक आते हैं उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना आप भी दो दो फंदे उल्टी साइड से ऊपर आते जाइए पूरा यहाँ तक का फंदा और नीचे दो दो फंदे छोड़ते जाइए और ग्रीन को पिंक से दो दो फंदे करते जाइए ठीक है जैसा कि अभी हमने आपको बताया करके सेम ऐसे कर लीजिए आप भी और पूरा ऊपर तक बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने इतना कुछ बना लिया इसको ये देखिए यहाँ से हमारे बैगनी कलर का जो था वो हो चुका ख़त्म और यहाँ पे देखिए सारे फंदे जो हैं बैगनी वाले ग्रीन में हो गए और यहाँ पे देखिए पिंक के भी जो है फंदे ऊपर तक आ गए हमारे तो यहाँ पे देखिए कितने फंदे हमने छोड़ लिए ये देखिए यहाँ ये यहाँ तक के फंदे देखिए हमारे छूट चुके हैं दो दो करके यहाँ पे ठीक है यहाँ के फंदे देखिए इतने छूटे हुए हमारे दो दो करके बाकी ये फंदे अभी हमारे पास है देखिए दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दस फंदे ये हैं और दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह बारह फंदे ये हैं और बारह ही फंदे हमने यहाँ नीचे छोड़ दिए हैं तो अब देखिए अब क्या करना है जब सारे फंदे आपके हो जाएंगे तब यहाँ से देखिए अब क्या करना है अब यहाँ पर हम फिर से अपना जो है बैग निकलर लगाएंगे ठीक है अब ग्रीन को हम यहाँ पर रखेंगे और देखिए एक दो ठीक है दो फंदे हमने बैग निकाल कर अब हमें क्या है नीचे की ओर जाना है अभी हम ऊपर की ओर आ रहे थे तो दो फंदे देखिए हमने बैग निकाल कर दिया और बाकी यहाँ से जो है ग्रीन तो अब दो दो फंदे हम नीचे की ओर चलेंगे ठीक है ये यह देखिए यहाँ से ये यह हो गया अब दो फंदा ये वाला जो पिंक है इसको भी ग्रीन करेंगे एक दो ये देखिए अब यहाँ से पिंक को पिंक से तो अब हम नीचे आएंगे दो दो फंदे करके और यहाँ तक के जो फंदे हमने बारह फंदे छोड़ के रखे थे ये देखिए ये हमारे अपने फंदे हैं और ये बारह फंदे जो हैं इनको हमने दो दो तो करके छोड़ा था तो इनको अब हम लेते चलेंगे तो गैप है तो गैप के लिए एक फंदा आप ऐसे उठा लीजिए और यहाँ पे दो का एक कर दीजिए ये ऐसे करके ठीक है ये देखिए ये हो गया अब यही से हो जाएंगे वापस वापस होने के साथ यहाँ पे जो जैसे है उसको ऐसे बनाएंगे देखिए अब इसको पीछे करेंगे और यहाँ से इसको आगे लाएंगे तो सीधे साइड से आपको कुछ नहीं करना है जो जैसे है वैसे है ठीक है अभी तक हम ऊपर जा रहे थे अब हम नीचे की ओर आएंगे तो अब हमारा बैगनी कलर जो है वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा दो दो करके जैसे खत्म हुआ वैसे बढ़ेगा इसको देखिए पीछे करके इसको सीधा बना लेंगे ठीक है ये देखिए कुछ इस तरीके से अब देखिए हम नीचे की ओर आ रहे हैं अब फिर यहाँ पे आएंगे इसको यहाँ से उतार लेते हैं क्योंकि हमने सीधा बनाया था ये देखिए अब इसको दो फंदे ये हमारे अब दो फंदे फिर से इसमें से लेंगे एक दो ठीक है और यहाँ से जो ग्रीन है ग्रीन से बनाएंगे ये देखिए हो गया अब दो फंदे इसमें से ले लेंगे ग्रीन के ठीक है यहाँ पे अब इसको ऐसे करेंगे और यहाँ से ये यह जो बैग ये है पिंक कलर इसको पिंक से बनाएंगे ये हो गया यहाँ पर गैप है तो फिर से एक फंदा ऐसे उठा लेते हैं यहाँ से और जो दो फंदा में उतारना है उन्हीं में से पहले दो का कर एक करके इसको ऐसे बना लेंगे ठीक है फिर यहाँ से वापस और यहाँ से फिर से सीधे साइड से चलिए बना लेते हैं फ्रेंड्स जो जैसे है और जिस कलर से उसी कलर से तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हमारा हो गया फिर से हम आ गए यहाँ पे देखिए अब ऐसे देखिए दो दो फंदे करके नीचे की ओर हम जा रहे हैं जैसा कि यहाँ पे देखिए ऊपर तक गया था उसके बाद अब देखिए नीचे आ रहे हैं है ना तो बैगनीन कलर देखिए बारी बारी से करते हुए फिर से बैगरीन कलर हमारे बारह हो जाएंगे और ग्रीन वाले तो बारह हैं और ये भी जो फंदा है ये हमारा फिर से दस फंदा हो जाएगा ठीक है तो देखिए अब फिर से यहाँ से ये दो हो गया चार चार फंदे फिर से दो फंदे यहाँ से ले लेंगे ये देखिए दो फंदे ले लिए छः फंदे हो गए बाकी ग्रीन वाले ग्रीन से तो जैसे छः है वैसे ही आठ होगा फिर दस होगा फिर बारह होगा ठीक है तो मतलब पूरे बैगनी वाले भी बारह फंदे होने हैं हमारे जो कि दो फंदे यहाँ से लेंगे ग्रीन को कर देंगे इसे ठीक है तो यहाँ से इसको ऐसे बना लेंगे और दो दो फंदा आपको लेते जाना है अपना जो छोड़ के हमने रखा है हो गया यहाँ से एक फंदा से उठा लेते हैं ये देखिए ये हो गया ये से वापस हो जाएंगे और यहाँ पर फिर से जो जैसे है उसको ऐसे बना लेंगे ठीक है तो फ्रेंड देखिए चलिए इसको हम बना लेते हैं दो दो फंदे करके नीचे आते हैं जैसा कि हमने आपको यहाँ से अभी तक दिखाए छः फंदे को करके बिल्कुल वैसे ही आपको भी करते हुए आना है और यहाँ पर दो दो फंदे जो है अपने उतारते जाना है और पिंक वाले को भी दो फंदे ग्रीन करना है ठीक है मतलब ग्रीन वाले को बैग नहीं करना है ठीक है और जो यहाँ पे पिंक कलर है उसको ग्रीन कर देंगे और दो फंदे यहाँ से ले लेंगे ठीक है तो चलिए यहाँ पे छः फंदे जो है इनको भी हम ले लेते हैं बारी बारी से उसके बाद जो बैगनी कलर वाला फंदा बचेगा तो हम आपको बताएंगे लास्ट में क्या करना है ठीक है बाकी ये छः फंदे उतार लेते हैं आप भी इतना बना लीजिए तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने पूरा इसको कुछ इस तरीके से बना लिया ये यह देखिए यहाँ पे बन चुका है बस अब हमारे पास लास्ट में ये बैगनी के दो फंदे बचे हुए हैं उतारने के लिए बाकी देखिए सारे फंदे हमने बना लिए और यहाँ पे देखिए हमारे ये बारह फंदे हो गए और यहाँ पे देखिए दो दो चार दो छः दो, दो आठ दो दस दस ये बारह ये और बारह ही ये फंदे हो गए ठीक है अब ये लास्ट के जो दो फंदे बैगनी के हैं तो इन अब हम इन सारे फंदों को बैगनी से ही बनाएंगे ठीक है क्योंकि लास्ट का फंदा हमारा बैगनी कलर का बचेगा तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ये वाली जो डिज़ाइन है और ये वाली पत्ती कंप्लीट हो जाएगी और अब हम दूसरे पत्ती की स्टार्टिंग करेंगे ये वाली है ना यहाँ पे अब सारे फंदों को हम बना लेते हैं अपने इसी कलर से वीडियो को पूरा अच्छे से देखा कीजिए फ्रेंड्स लास्ट तक देखेंगे ना तो आप आराम से बना लेंगे चाहे कितने भी फंदे का आपको बनाना हो ठीक है आ, क्योंकि इतना भी हार्ड नहीं है बहुत ही इजी डिज़ाइन है तो बस आपको एक बार अच्छे से देखना है इसको ठीक है बाकी अब देखिए अब यहाँ पर गैप है तो अब हम फिर से आप एक फंदा से उठा लेंगे और यहाँ पर ये पूरा बना लिया हमने तो ये देखिए यहाँ पर पूरा हमने बना लिया ये हमारा हो गया ये देखिए ये हो गया अब यहाँ पे अब हम देखिए ये हमारी ये पत्ती ये वाली कंप्लीट हुई है अभी ये वाली पत्ती बनी है ठीक है अभी ये बनाना बाकी है तो अब यहाँ से सीधे साइड से इसको हम उतार लेंगे नहीं तो सर्कल बहुत बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे अब ये सारे फंदों को हम बैगनी कलर से उल्टा उल्टा बना लेंगे ठीक है तो पूरा यहाँ तक चलिए बना लेते हैं बैगनी कलर से ही तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पूरा यहाँ पे बैगनी कलर से बना लिया है एक रो ठीक है अब देखिए अब हमारी ये वाली डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो गई ये वाली अब हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे ठीक है तो अब देखिए अब यहाँ से क्या करना है आपको अब हम यहाँ से अपना दूसरा कलर ऐड करेंगे जो हमारा येलो कलर है ठीक है अब हम इसको यहाँ से इसको ऐड कर लेते हैं ये वाला कलर अपना ठीक है और आप चाहिए तो आप ये दोनों कलर को कट करके यहाँ पे नॉट लगा दीजिएगा क्योंकि क्या होगा बहुत ही ज़्यादा फंसने लगेगा फिर जब हम ये वाली कली की फिर से स्टार्टिंग करेंगे जब यहाँ वाली तब आप इसको फिर से ऐड कर लीजिएगा ग्रीन कलर में जैसा कि हमने यहाँ स्टार्टिंग से आपको ऐड करके बताया था ठीक है नहीं तो फिर बहुत ही ये फंसेगा आपका क्योंकि चार चार कलर के ऊन हो जाएंगे ना तो थोड़ा सा फंसने लगेगा ठीक है तो अब देखिए अब क्या करना है अब यहाँ से हम येलो कलर से बनाएंगे तो ये देखिए अब ये सारे फंदे येलो कलर से बनेंगे ठीक है इसको ऐसे फंसा लीजिएगा अब ये जो हमारे छत्तीस फंदे हैं ये देखिए हम यहाँ पे अब येलो करेंगे और तो दो फंदे यहाँ पे छोड़ने हैं आपको बाकी सभी फंदों को बारी बारी से बनाना है हर दो सलाई के बाद एक एक कलर जो है चेंज होता जाएगा आपका तो यहाँ पे ये देखिए इसको बना लेते हैं इतना तो ये देखिए बनाया दो फंदे यहाँ पे हम बैगने वाले जो है इनको छोड़ देंगे और ये वापस हो जाएंगे ठीक है वापस होने के साथ ही यहाँ पे सीधे साइड से हम येलो को पूरा यहाँ तक बनाएंगे और ये वाला फंदा जो है लास्ट वाला इसको सीधा बनाएंगे ठीक है तो चलिए यहाँ से सीधे साइड से पूरे को येलो से बना लेते हैं यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने येलो से पूरा एक रो बना लिया ठीक है अब देखिए अब फिर से आएंगे अपने इधर उल्टी साइड और यहाँ से अब येलो को हम यहीं पर रहने देंगे अब हम यहाँ पे जो हमारी बैगनी कलर है उससे बनाएंगे तो येलो को हम इस साइड रखेंगे बाहर के साइड और बैगनी कलर जो हमारा था उससे अब हम फिर से सारे फंदों को बनाएंगे ठीक है आप उसको टाइट कर लीजिए एक बार येलो एक बार आपको बैग दोनों कलर से करके बनाना है और दो दो सिलाई में एक रो होती यानी एक एक रो कंप्लीट करनी है उल्टी सिलाई हम कलर को हर बार चेंज करेंगे और इधर से फिर से बनाएंगे इसको यहाँ नीचे साइड से आपको हर बार दो फंदे जो है छोड़ते जाना है ये देखिए फिर से हमने यहाँ पे दो फंदे छोड़ दिए और यहाँ से वापस हो जाएंगे तो जब बैगनी का बनाएंगे तो येलो का फंदा छूटेगा और जब येलो से बनाएंगे तो बैगनी कलर का और सीधी साइड से कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स जो जैसे है उसको ऐसे बना लेते हैं तो ठीक है चलिए इधर से बना लेते हैं इसको तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए बैगनी कलर से भी एक रो हो गई हमारी तो यहाँ पे बारी बारी से आपको एक एक रो करके बनाते जाना है ठीक है जैसा कि आपको इस डिज़ाइन में दिख रहा है ठीक है तो अब देखिए अब फिर से हमारे येलो की बारी आएगी तो अब फिर से यहाँ पे ऐसे करेंगे और ये वाला ऊन जो है बाहर की साइड रखेंगे और येलो से बनाएंगे तो फिर से अब सारे फंदों को येलो से बना के दो फंदे हम फिर से छोड़ेंगे तो इसमें आपको ऐसे ही करते जाना है फ्रेंड्स दो दो फंदे आपको छोड़ते जाना है ठीक है और कलर को हर बार एक एक रो होने के बाद आपको चेंज करते जाना है यानी दो सिलाई की एक रो होती है तो दो सिलाई बनाने के बाद फिर जब उल्टे साइड में आएंगे तो कलर को चेंज करते हुए दो फंदे छोड़ेंगे ठीक है जैसा कि अभी तक हमने दिखाया सेम ऐसे करके आपको बनाना है और आपको ऐसे करते जाना है और जब लास्ट में आपके पास चार फंदे बचेंगे फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है बाकी यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऐसे ही आप भी बनाते जाइए अगर मैं सब सभी को दिखाऊंगी ना ऐसे दो दो फंदे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे है ना तो देखिए फिर से हमने दो फंदे यहाँ पे छोड़ दिए यहीं से वापस हो जाएंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सभी फंदों को छोड़ते जाना है बारी बार से और कलर को अपने जो, जो है चेंज करते जाना है इसमें जैसा दिख रहा है वैसे ही बनेगा आपका अभी ठीक है और लास्ट में जब चार फंदे आपके बचेंगे ना तब मैं आपको बताऊँगी ठीक है कि क्या करना है या चलिए छः फंदे रहेंगे तो मैं आपको बताऊँगी ठीक है कि कैसे करना है आगे का तब तक तो आप भी बना लीजिए तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने कुछ इतना बना लिया ये देखिए काफ़ी ही सुंदर सा ये बन के आया हुआ है इस तरीके से और बाकी यहाँ पे देखिए अभी छह फंदे हमारे पास जो हैं येलो के बचे हुए हैं अभी और बाकी हमने यहाँ बैग नहीं थे ये दो दो करके देखिए फंदों को छोड़ दिया जो कि आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा तो अब देखिए अब क्या करना है तो अब यहाँ से हम इसको बैगने वाले की बारी है तो ये देखिए एक दो तीन चार चार फंदे हमने बना लिए और यहीं से हो जाएंगे वापस ठीक है और दो फंदे छोड़ दिए हमने छः थे हमारे पास टोटल तो हमने छोड़ दिया बाकी यहाँ से सीधा बना लेंगे ठीक है ये देखिए घर हो गया फिर से आते साइड और यहाँ से देखिए फिर से अब यहाँ से फ्रेंड्स अब हम ये जो चार फंदे हमारे पास बचे हैं ना अब इन चार फंदों को हमें नहीं छोड़ना है ठीक है एक मिनट अब इन चार फंदों को हम नहीं छोड़ेंगे अब देखिए अब क्या करना अब सा अब हमारी येलो की बारी है तो यहाँ से इसको पीछे करेंगे और इधर से लाएंगे इसको इधर और अब इन सारे फंदों को ना जो हमने दो दो करके छोड़ के रखे भी हैं ये चार फंदे तो हमारे रहेंगे ही ठीक है आप याद रखिएगा कि आपके पास चार फंदे हैं बाकी सारे फंदे जो हमने दो दो करके छोड़े हैं ना इन सभी को हम अपने येलो कलर से बना लेंगे देखिए यहाँ पे सारे फंदे बन जाएंगे हमारे तो ये डिजाइन आप चाहे कितने भी फंदे बनाइएगा ना जो तरीका बनाने का वो यही है बस फंदों का आपका डिफरेंस रहेगा आ, जैसे कि आपको कितना फंदा बनाना है है ना उस हिसाब से आपके फंदे भी रहेंगे बाकी आपको मैंने बता दिया कि फंदे ऐसे होने चाहिए जिनको तीन भागों में करने पे भी बराबर बराबर फंदे हो ठीक है और दो के जोड़े में ही हो फंदे ठीक है तो हमने छत्तीस फंदे लिए तो बारह चौबीस और छत्तीस यहाँ पे देखिए सारे फंदों को हम लास्ट तक इन सारे फंदों को देखिए हमने बना लिया ठीक है अब फिर से यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से फिर सारे फंदों को यहाँ तक बना लेंगे ठीक है ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे बाकी सारे फंदों को उल्टा बनाएंगे और ये वाला फंदा जो इसको उतार लेंगे यहाँ से ठीक है इसको उतार लेंगे और यहाँ से इसको बना लेंगे तो चलिए ये सारे फंदों को हम यहाँ तक बना लेते हैं फ्रेंड्स तो फ्रेंड देखिए हमने इधर से बना लिया सीधे साइड से देखिए पूरी एक सिलाई जो है हमने पूरी येलो से निकाल ली ठीक है अब देखिए अब क्या करना है आपको याद होगा जब बैगनी के हमारे चार फंदे थे ठीक है उसके बाद फिर हमने सारे फंदों को येलो से बनाया था तो अब हम फिर से बैगनी के चार फंदे बनाएंगे ठीक है ये देखिए यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे और चार फंदे जो है अपने बैगनी को बना लेंगे एक दो तीन चार ठीक है चार फंदे हो गए बाकी ऐसे फिर वापस हो जाएंगे इधर से वापस तो चार फंदे बनाने के बाद हम इधर से वापस हो गए और इसको सीधा बनाना ही है ठीक है ये देखिए ये बिल्कुल इसके बराबर बराबर आएगा जो जैसे है वो इसके बराबर आएगा ठीक है अब देखिए फिर से अपने इस साइड आएंगे और इधर से अब येलो की बारी है तो इसको इधर करेंगे और देखिए अब ये चार फंदे जो हैं हमारे ये हो गए येलो और दो दो फंदे जैसे अब हमने छोड़ के रखे थे वैसे हमें दो दो फंदे अपने लेने हैं तो चार फंदे ये हो गए बाकी दो फंदे हम यहाँ से ले लेंगे एक तो ठीक है फिर यहीं से वापस और यहाँ से फिर जो जैसे है उसको वैसे बना लेंगे उल्टा करके ये सीधा ठीक है फिर से सा आ जाएंगे इस साइड और इधर साइड से देखिए अब फिर से बैगनी कलर से बनाएंगे ठीक है फंदे देखिए यहाँ तक उतरे हुए हैं हमारे समझ में आ जाएगा आपको भी जैसे आप बनाएंगे ना तो समझ में आता है गैप ठीक है अब यहाँ पे देखिए अब ये छः फंदे हमारे बैगनी को हो जाएंगे ये देखिए ये हो गए और दो फंदे हमें अब यहाँ से लेना है ठीक है तो गैप ज़्यादा नहीं आएगा आपको भरने की जरूरत नहीं है गैप को दो फंदे यहाँ से ले लेंगे फिर ये वापस हो जाएंगे ठीक है और यहाँ से जो जैसे है उसको वैसे बना लेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको यही करना है आपको हर बार अपना जो है कलर को चेंज करते जाना है और दो दो फंदा लेते जाना जैसे हम पहले दो दो फंदे छोड़ते थे अब ऐसे हमें दो दो फंदे अपने लेते जाना है देखिए ये बिल्कुल बराबर से इसके इसके ऐसे बन के आएगा ठीक है जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है ठीक तो चलिए ऐसे करते हुए हम बना लेते हैं यहाँ पे कलर को चेंज करते हुए दो दो फंदे लेते चलेंगे लास्ट में जब हमारे पे दो फंदे बचेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है तब तक आप भी अपना बना लीजिए तो देखिए फ्रेंड्स हमने इतना बना लिया अब दो फंदे केवल हमारे पास बचे हुए बाकी ये देखिए काफ़ी ही सुंदर सा और बहुत ही बड़े साइज का ये बन करके आया है बस दो फंदे हमारे पास बचे हैं इनको भी हमें लेना है ठीक है और बाकी देखिए येलो लगा था अब हमें यहाँ पे बैगनी कलर से बनाएंगे तो देखिए अभी हमारा लास्ट है ये वाला सलाई ये देखिए यहाँ से केवल दो फंदे बचे हैं हमारे पास उतारने के लिए बाकी हमने बारी बारी से दो दो करके उतार लिए सारे फंदों को और ये हमारा बन के बहुत सुंदर आता है और काफ़ी बड़े साइज़ का बन रहा है अगर आप सारी चुने से बनाओगे ना तो काफ़ी अच्छा बन के आएगा ये और जो ऊन से हमने बनाया है तो भी ये बहुत अच्छा साइज़ है एक यहाँ पे देखिए बैगनी की बारी है बैगनी से मैं सारे फंदों को बना लूँगी यहाँ पे लास्ट के दो फिर से हमारे वही जो हमने छत्तीस फंदे डाल के रखे थे वही वाले फंदे हो जाएंगे और इसी के साथ हमारी ये वाली जो कली है ये भी कंप्लीट हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पे टोटल देख सकते हैं आप आठ कलियाँ बन के आएंगी चार एक जैसी हैं और चार एक जैसी हैं ठीक है यानी टोटल आठ बनेंगी ये यह यहाँ पे हो गया दो फंदे लास्ट वाले जो थे इनको भी हम उतार लेते हैं ये देखिए है। बना लिया यहीं से वापस हो जाएंगे और यहाँ से फ्रेंड्स जो जैसे है उसको ऐसे बना लेना है इधर से ठीक है इधर से पूरा यहाँ तक बनाना है जैसे बना रहे थे इसको उतार लेना है और यहाँ से ये इसको जो बना हुआ है जैसे इसको पूरा हम उल्टा उल्टा करते हुए यहाँ तक बना लेते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने सीधे साइड से भी बना लिया इसको और यहाँ पे ये यह देखिए हमारी जो ये कलियाँ हैं ये दोनों ही कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ पे ये यह देखिए तो अब बिल्कुल सेम इसी की जैसे फिर से ये वाला बनाएंगे हम ठीक है अब देखिए ये हो गया इसके बाद अब फिर से यही वाली डिजाइन बनेंगे मतलब रिपीट होगी ठीक है ये वाली डिजाइन बनेगी उसके बाद फिर जब ये कंप्यूटर फिर ये बनेंगे जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ये वाला बना है फिर ये उसके बाद फिर से ये वाली डिजाइन बनी है और फिर से ये वाली यानी चार हमारी ये वाली बनी है और चार ही ये वाली तो चार ये वाला बनाएंगे हम और चार ये वाला बनाएंगे ठीक है अब यहाँ पे हमारे ये वाला भी कंप्लीट हो गया अब फिर से हमें ये वाली जो कली है या पत्ती जो भी बोल लीजिए अब इसको स्टार्ट करना तो फिर से हम वैसे ही करेंगे जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में करके बताया था फंदा डालने के बाद तो देखिए चलिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ स्टार्टिंग करके भी उसके बाद फिर सेम वैसे ही बनेगा जैसा कि हमने ये वाला बनाया था ठीक है दोनों ही पत्तियाँ वैसे ही बनेंगी तो यहाँ से देखिए फिर से हम क्या करेंगे ये देखिए सॉरी इसको उतारते हैं ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात और इसको हमें कट करना होगा ठीक है इसको यहाँ पे ला लेते हैं आठ नौ दस ग्यारह और एक ये बारह ठीक है देखिए दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह बारह फंदे ये हो गए और यहाँ पे ये येलो वाले को मैं यहीं पर नोट लगाए कट कर लेंगे ठीक है नहीं तो क्या होगा ना कि बहुत ही लंबा लंबा धागा हो जाएगा देखिए मैं आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ ये देखिए यहाँ पे धागे को कट करके कर आप लगाएंगे ना तो आपका लंबा नहीं आएगा बिल्कुल भी ठीक है फिर यहाँ पे जो हमने कट किया है इनको भी नॉट लगा लेना है हमें तो पीछे से काफी सफाई से बनेगा अभी हमने कट नहीं किया है इन दोनों को कट करके लगाना होगा बांधना होगा मुझे भी आगे एक बार आपको और दिखाना था इसलिए मैं यहाँ पर भी रहने दी हूँ ठीक है अब देखिए बारह फंदे हमारे ये वाले हो गए अब बारह के बाद देखिए हमने कौन सा फंदा लगाया कलर लगाया था ग्रीन कलर ठीक है तो अब यहाँ पर हम यहाँ से ग्रीन कलर ले लेंगे बाकी वैसे आप काट लीजिएगा और यहाँ पर फिर से दोबारा ऐड कीजिएगा ठीक है अब ये देखिए यहाँ से हम ग्रीन ले लेते हैं मैं आपको वैसे समझाने के लिए बता रही हूँ ठीक है कि फिर से वो ऐसे ही बनेगा तो बारह फंदे फिर से यहाँ पे हो जाएंगे देखिए पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह देखिए बारह फंदे ये वाले हो गए अब फिर से हम यहाँ पर अपना पिंक कलर लगाएंगे तो पिंक वाला यहाँ है तो ये ले लेते हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस फंदे ये होके दो फंदे इसमें हम छोड़ देते हैं फिर यहीं से वापस होकर के जो जैसे है उसको ऐसे ही बना लेते हैं ठीक है फिर उसके बाद हमने क्या किया था हर बार हम दो दो फंदे ऊपर की ओर आ रहे थे ठीक है उल्टे साइड से जब हम बनाएंगे तो फिर दो बैगनी के दो फंदे जो है इनको हम ग्रीन कर देंगे और ग्रीन के दो फंदे हम पिंक कर देंगे और नीचे से दो दो फंदे छोड़ देंगे मतलब जैसा कि हमने स्टार्टिंग से आपको बताया था फिर से वही चीज़ आपको रिपीट करके इस डिजाइन को कम्प्लीट करना है फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छा लगता है बनाइए इसको आप और आज की वीडियो ये हमारी कैसी लगी जरूर बताइए गा, अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय